बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरिद्वार दौरा कल। 20 अगस्त को हरिद्वार जाएंगे जेपी नड्डा। विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। ओलंपिक खिलाड़ियों को यूपी सरकार का तोहफा। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत ओलंपिक पदक विजेताओं को इकाना स्टेडियम में किया गया सम्मानित। बंगाल सरकार को बड़ा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हिंसा पर सीबीआई जांच का दिया आदेश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक दहशतगर्द ढेर। जूनियर कश्मीर ऑफिसर शहीद। स्वतंत्रता दिवस पर अफगानिस्तान को झंडा लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। तालिबान की गोलीबारी में कईयों की मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। प्रदेश में ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए आज का दिन भी काफी बड़ा रहा। योगी सरकार ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में टोक्यो ओलंपिक 2020 में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। सीएम योगी ने सभी खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार का चेक देकर सम्मानित किया। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ का चेक मिला। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को यूपी सरकार 2 करोड़ रुपए की धनराशि सम्मान स्वरूप दी गई। रजत पदक विजेताओं को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए। कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के सभी सदस्यों को 1-1 करोड़ रुपए और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला हॉकी टीम के सदस्यों को 50-50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। ओलंपिक में शामिल प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप अलग से धनराशि भी दी गई। आपको बता दें कि आज इकाना स्टेडियम में खिलाड़ियों का सम्मान किया गया, जहां पर सभी विजेताओं को धनराशि सम्मान स्वरूप दी गई। ताज नगरी आगरा में नगर पंचायत फतेहाबाद के संविदा पर सफाई कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को पिछले साल ही काफी समय वेतन नहीं मिला और वेतन न मिलने की वजह से नाराज सफाई कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर दिया। काम को बंद करते हुए सफाई कर्मचारियों ने नगर पंचायत अध्यक्ष तानाशाही करने का आरोप लगाया है। सभी कर्मचारी वेतन की मांग करते हुए अब धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने की वजह से आर्थिक तंगी की वजह से गुजरना पड़ रहा है। कर्मचारियों के परिवार वालों को रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। अब लोगों का यही कहना है कि जब तक वेतन नहीं मिलता है तब तक काम करने को फिर से नहीं कहा जाएगा। खबर आगरा से है, जहां पर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। सभी कर्मचारी वेतन की मांग करते हुए अब धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने की वजह से आर्थिक तंगी की से गुजरना पड़ रहा है। कर्मचारियों के परिवार वालों को रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया है। अब लोगों का यही कहना है कि जब तक वो वेतन नहीं मिलेगा तब तक काम करने को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा। हमारे 30 लोग हैं, ठेका सफाई कर्मचारी, उनको 3 माह से वेतन नहीं मिला है। हमारा वेतन मिल जाएगा, हम काम पर चलेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष से वेतन की मांग की है। अध्यक्ष जी कहते हैं कि माता जी एसडीएम के पास आएगी। भाई और बहन के बीच अटूट रिश्ते का अनोखा त्योहार रक्षाबंधन के आने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। गाँव से लेकर शहर तक राखी की दुकानें सज गई है। लोग स्वास्तिक, रुद्राक्ष, चांदी के नग लगी राखियों को पसंद कर रहे हैं। बाजारों में हर तरह की राखी उपलब्ध है। हर बार की तरह से इस बार भी लुम्बा राखी आम लोगों के लिए कौतूहल बनी हुई है। बाजार सजे हैं लेकिन ग्राहक नहीं मिलने से दुकानदार परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के कारण राखी के त्योहार पर भी असर दिख रहा है। नए और आकर्षक डिजाइन की राखियां उपलब्ध हैं लेकिन ग्राहकों के ना होने की वजह से बिक्री कम हो रही है। वहीं दुकानदारों को उम्मीद है कि 1-2 दिन राखियों की डिमांड बढ़ेगी।
आने वाले कुछ ही दिनों में राखी का त्योहार आने वाला है, जहां बाजारों में राखियों की रौनक बढ़ गई है। आपको बता दें कि इस बार भी लुम्बा राखी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, पर अभी भी कोरोना के चलते बाजारों में रौनक कुछ थोड़ी सी फीकी पड़ रही है। हर बार की तरह से इस बार भी लुम्बा राखी आम लोगों के लिए कौतूहल बनी हुई है। बाजार सजे हैं, लेकिन ग्राहक ना मिलने से दुकानदार काफी परेशान है। दुकानदार का कहना है कि कोरोना के कारण राखी के त्योहार पर भी असर दिख रहा है। नए और आकर्षण डिजाइन की राखियां उपलब्ध हैं, लेकिन ग्राहकों के ना होने से बिक्री कम हो रही है। देखिए, राखी का त्यौहार बस अब नाम करा गया है। कारण यह है कि सारे पब्लिक में ये तो एक चीज़ का सबको दो साल से अनुभव हो चुका है कि लॉकडाउन के मामले से सब लोग परेशान हो चुका है, और हम लोग नई राखियाँ भी मंगवाए हैं, लेकिन जिस हिसाब से कस्टमर चलने चाहिए उस प्रकार कस्टमर चल नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना का असर है त्यौहार। 95% तो कोरोना का असर है, लेकिन प्रभु का एक आशीर्वाद से कहिए, कुछ माता रानी का आशीर्वाद है कि आजमगढ़ में कुछ हल्का है ये मामला, जो कि धीरे धीरे सबके दिमाग में आएगा और चलेगा तो चलना। सोनभद्र में अखिल भारत हिंदू महासभा की एक बैठक हुई। बैठक के मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री धर्मेंद्र पांडे रहे। इस दौरान महासभा के कई पदाधिकारी और अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में उन्होंने संगठन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने और संगठन को मजबूत करते हुए आगामी विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशियों को उतारने के लिए बात कही। बैठक को लेकर जिला महामंत्री पूनम पांडे ने बताया कि आज हम लोग सोनभद्र आए हैं, अब हम लोग पीछे रहकर काम करने वाले नहीं हैं। हम लोग अब आगे आकर काम करेंगे और जनहित के मुद्दों को उठाएंगे, साथ ही अपने संगठन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और आने वाले आगामी विधानसभा में अपनी रणनीति तैयार करेंगे, बाद में चुनाव में अपना प्रत्याशी भी उतारेंगे। खबर सोनभद्र से है, जहां पर बैठक कई अखिल भारत हिंदू महासभा की बैठक की गई, जिसमें महामंत्री ने पूनम पांडे ने बताया कि आज हम लोगों को कार्यक्रम तो सबसे पहले था कि हमारी जिस पार्टी अखिल भारत हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष यहाँ से इसके साथ मिलकर आगे के चुनाव की रणनीति बनाना और जन जन तक ये बात पहुंचाना कि अब हम पीछे रह के काम करने वाले नहीं हैं, हम आगे आके देश की जनता के लिए जो हो सकेगा वो पूरी तरीके से करें। उसी सिलसिले में हम यहाँ आए, पदाधिकारियों से मिले हैं और आगे की रूपरेखा और आज तक हम लोगों ने क्या काम किया है उसके ऊपर चर्चा हुई, और मेरा पूरा विश्वास है कि आगे हम अपनी पार्टी को बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए जो हो सकेगा करेंगे। उसमें बस जनता का जो बस्ती में दुबौलिया थाना के उजी गांव में पहुंचे दरोगा अशोक कुमार चतुर्वेदी की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। दरअसल दरोगा अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उजी गांव पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि दरोगा के ग्रामीणों ने खंभे से बांध दिया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। इससे पहले दरोगा के रंगे हाथ पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने खूब प्लानिंग की। लोगों का कहना है कि इसी प्लानिंग की भनक लगते ही मौके पर दरोगा ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर कई लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दरोगा को लोगों से चंगुल से छुड़ाया। फिलहाल इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए दरोगा को निलंबित कर दिया है। थाना दुबौलिया के ऊंची गांव से रात्रि में यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना दुबौलिया पर नियुक्त एसआई अशोक चतुर्वेदी को ऊंची गांव के ग्रामीणों ने पकड़ रखा है। इस सूचना पर थाना दुबौलिया की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनको वहां से छुड़ाया गया। प्रथम दृष्टया ग्रामीणों के द्वारा उनके एसआई अशोक चतुर्वेदी पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायर करने और उनके चरित्र पर आरोप लगाए गए हैं। अशोक चतुर्वेदी मौके पर बिना वर्दी के थे। इस संबंध में प्रथम दृष्टया आरोपों की सत्यता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से एसआई अशोक चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया गया। खबर बस्ती से है, जहां बस्ती में दुबौलिया थाना के ऊंची गांव में पहुंचे दरोगा अशोक कुमार चतुर्वेदी की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। दरअसल दरोगा अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए ऊंची गांव पहुंचे थे, जिसमें दरोगा को ग्रामीणों ने खंभों से बांध कर दिया। उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। इससे पहले दरोगा को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने खूब प्लानिंग की, और लोगों का कहना है कि इस प्लानिंग की भनक लगते ही मौके पर दरोगा ने फायरिंग शुरू कर दी।
फायरिंग की आवाज सुनकर कई लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दरोगा को लोगों के चंगुल से छुड़ाया। आजमगढ़ में कोरोना महामारी के कारण बंद चल रहा महिला पीजी कॉलेज 5 महीने बाद खुल गया। छात्राओं के न आने से वीरान पड़े महिला कॉलेज में रौनक फिर से लौट आई है। नियमों का पालन करते हुए छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश मिला। छात्राओं को क्लास में देखकर शिक्षक भी खुश हो गए। अभिभावक समेत सहमति पत्र के बाद ही छात्राओं को मिला पीजी कॉलेज में प्रवेश मिला है। बता दें कि छात्राओं की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। डॉक्टर प्राचार्य गोविंद तिवारी ने बताया कि कॉलेज परिसर की सैनिटाइज किया गया है। अभिभावक का सहमति पत्र मिलने के बाद ही छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है। कॉलेज में 5 महीने बाद खुल गया है, जहां छात्राओं के न आने से वीरान पड़े महिला कॉलेज में रौनक फिर से लौट आई है। नियमों का पालन करते हुए छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश दिया जा रहा है। छात्राओं को क्लास में देखकर शिक्षक भी बहुत खुश हुए हैं। अभिभावक के सहमति पत्र के बाद ही छात्राओं को महिला पीजी कॉलेज में प्रवेश मिला है और छात्राओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई है। डॉक्टर प्राचार्य गोविंद तिवारी ने बताया कि कॉलेज परिसर को सैनिटाइज भी किया है। अभिभावक का सहमति पत्र मिलने के बाद ही छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है और बच्चे भी बहुत आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। सर, कॉलेज खुला है, कोविड नियमों का किस तरह से पालन किया जाएगा? सर, बच्चों को सैनिटाइजर किया जा रहा है, जो बच्चे मास्क लगा कर। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, लोग से मिल के और अपने फ्रेंड से मिल के बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग आए इतने ज़्यादा दिन बाद पढ़ने। यहाँ पे सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? जी। औरैया के अरवा कटरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के मामला में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा एक्सप्रेसवे पर भागने की फिराक में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। पकड़े गए शातिर के पास से तमंचा और 2 कारतूस बरामद कर लिया गया है। साथ ही उसके अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह के अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। मुहर्रम के त्यौहार को काफी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोविड की वजह से लोग इस त्यौहार को पहले की तरह मना नहीं पा रहे हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी सरकार द्वारा मुहर्रम के पर्व पर ताजिया जुलूस निकालने की कोई परमिशन नहीं दी गई। ताजिया जुलूस न निकालने की वजह से लोग काफी ज्यादा मायूस हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कल मुहर्रम के त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की बात कही है। ताजिया न उठाने की वजह से लोग मायूस तो हैं, पर नियमों का पालन करने की भी बात कर रहे हैं। शासन द्वारा क्या, वो तो वो चल जाए हुआ कोरोना, कराने के वजह से बड़ा दिक्कत है समझिए। इसलिए हम लोग हैं मुकाम पे रखे रहेंगे, वो ज़्यादा नहीं 10-20 आदमियों की भीड़ होगी, फाता होगी, फाता होने के बाद में अपने चले जाएंगे वो, और कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले भी आप ताजिए निकल नहीं, ताजिए तो हमारे निकलने हुए कम से कम हजारों साल से, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हुई न शासन से न पुलिस से न किसी से, कोई दिक्कत नहीं है समझे। मगर वो कोरोना की वजह से है उसका। ताजिया तो हम अपने परंपरागत तरीके से बना रहे हैं, और ताजिया निकालने की बात ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है उसको पूरी तरह से मानते हुए हम ताजिए को किसी भी तरह से भ्रमण, नगर भ्रमण या गश्त पर नहीं निकालेंगे। ताजिए को बनाकर अपने मुकाम पर रखेंगे, जिससे कि फाता दरूद और भी जो लोग ज़ियारत करने के लिए आएंगे वो अपना कार्य सरकार की गाइडलाइन को मानते हुए पूरी तरह से करेंगे। आगरा के मंडोला क्षेत्र में जामा मस्जिद पर हुए तिरंगा विवाद में हाजी असलम कुरैशी के खिलाफ कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। हाजी असलम कुरैशी के विरोध में विशाल जुलूस निकाला गया। इस मामले में विरोध करते हुए सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनके खिलाफ लोग तख्तियां लेकर समाज से बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। हंगामा करते हुए सभी लोग जिला मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने प्रशासन को इस मामले में ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है।
खबर आगरा से है, जहां लोगों के प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके चलते जुलूस निकाला गया। इस मामले में विरोध करते हुए सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनके खिलाफ लोग तख्तियां लेकर समाज से बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। हंगामा करते हुए सभी लोग जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और यहां उन्होंने प्रशासन को इस मामले में ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग भी की है। राजधानी लखनऊ के अमौसी क्षेत्र के अंतर्गत बहेटवा गांव के मुख्य सड़क मार्ग में गड्ढों की भरमार है, जिसमें बारिश के बाद हमेशा पानी भर जाता है। इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने मिलकर सड़कों में बने गड्ढों में धान की फसल लगाकर प्रदर्शन किया। इसी दौरान जाम में एम्बुलेंस फंसी रही और मौके पर नादरगंज चौकी इंचार्ज दिनकर वर्मा पहुंचकर सूझबूझ और बड़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर जाम में फंसी एम्बुलेंस को निकलवाया। अमौसी से टीएस मिश्रा हॉस्पिटल को जाने वाले मुख्य मार्ग में गड्ढों की भरमार है, जिसके चलते कई गाड़ियां पलट जाती हैं और आए दिन घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मुख्य मार्ग में एटीएस का मुख्यालय भी है, साथ साथ अमौसी पेट्रोलियम का भी मुख्य मार्ग है। इस मार्ग पर ढेर सारी एम्बुलेंस का आवागमन है। जल भराव और गड्ढों के कारण जाम में घंटों तक एम्बुलेंस फंसी रहती है। इसके अलावा मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी में शिकायत करने के बाद भी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। काफी टाइम से यहाँ पर देख रहे हो कि ये रोड, मतलब जब बारिश होती है तो वहाँ पे बहुत सारा पानी भर जाता है, जिससे अगर लोगों को, मतलब हम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने में। और कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, छोटी सी बच्ची का भी एक्सीडेंट हो चुका है। ये यहाँ से मतलब जब भी बारिश होता है और भरा रहता है पानी, तो हम यही अपील करेंगे सरकार से भी कि यहाँ पर और यहाँ के जो फरीदाबाद के सेक्टर 91 में बिजली संकट से त्रस्त सोसाइटी के लोगों ने बिजली वितरण निगम के कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए अधिकारी मौके पर एक्टिव हुए। अधिकारियों ने परेशान लोगों को बिजली के ट्रांसफार्मर बढ़ाए जाने के आश्वासन दिया तो लोग शांत होकर अपने घर की ओर निकल गए। सोसाइटी में रहने वाले आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों की माने तो बिजली की समस्या से त्रस्त होकर वे आज यहाँ पहुंचे हैं। अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर और बढ़ा दिया जाएगा ताकि वहां बिजली जैसी कोई समस्या ना हो। इसलिए अब वे अधिकारियों द्वारा बताए गए समय के बाद ही इस बारे में अगला कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि हंगामे से बढ़ता देखकर अधिकारी एक्टिव हो गए हैं। जहां ट्रांसफार्मर के बढ़ाए जाने की बात कही गई है, सोसाइटी में रहने वाले आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों की माने तो बिजली की समस्या से त्रस्त होकर वे आज यहां पहुंचे हैं। अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर और भी बढ़ा जाएगा ताकि यहां वहां पर बिजली जैसी कोई समस्या ना हो। इसलिए अब वे अधिकारी द्वारा बताए गए समय के बाद ही इस बारे में अगला कदम उठाएंगे। सिद्धार्थनगर में आज सपा के पूर्व विधायक विजय पासवान ने प्रेस वार्ता की। यहां उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा के देश भर में चल रही आशीर्वाद यात्रा पर इन्होंने कटाक्ष किया। साथ ही पूर्व विधायक विजय पासवान ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब लोग लॉकडाउन में मर रहे थे उस समय भाजपा के मंत्री कहां थे। आगे उन्होंने कहा कि गरीबों को जो राशन और है, इनके अधिकारी इसमें लूट खसोट कर रहे हैं। भाजपा आशीर्वाद यात्रा के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। आशीर्वाद यात्रा आप भी जानते हैं, आशीर्वाद यात्रा किसके लिए मांग रहे हैं? ये जब कोरोना महामारी 2 साल से चल रही थी, तमाम परिवार अपने परिवारों को छोड़ दिया, पैदल चलते हुए रास्ते में कितने लोगों ने दम छोड़ दिया, कभी उनका आंसू पोंछने नहीं गए। तमाम 2 सालों से बच्चे घर बैठे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके कुछ उनको पढ़ाई लिखाई करके आगे निकल रहे थे, वो पढ़ाई लिखाई भूल के गाँव में मट्टी लगा के घूम रहे हैं। और जो घर गरीबों का राशन है, इनके अधिकारी सब मिल के बांट खा ले रहे हैं। तमाम ऐसा भ्रष्टाचार इनका है जो अपना कृत्य छुपाने के लिए ये आशीर्वाद यात्रा बना के जनता। रायबरेली के महाराजगंज तहसील क्षेत्र में एक नाले में 2 बच्चों का शव बरामद हुआ। बच्चों के शवों को देखने के बाद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि इस मामले में गहनता से छानबीन की जा रही है। शिवगढ़ थाना में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दो बच्चे अपनी नानी के साथ पॉलिश पर नान पॉलिश करवाने गए हुए थे, जहां से कि उनकी नानी द्वारा उन दोनों बच्चों को कुछ धान लेकर घर भेज दिया गया था। दोनों बच्चे जब घर नहीं पहुंचे और नानी द्वारा घर जाकर वो देखा गया तो गांव वालों द्वारा खोजबीन की गई और उसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी गई। इस सूचना पर पुलिस द्वारा पहुँच कर वहाँ खोजबीन की गई और उनके गायब होने के संबंध में मुकदमा थाने में पंजीकृत किया गया। खोजबीन के क्रम में आज सुबह दोनों बच्चों की डूबी हुई बॉडी एक नाले में मिली है। शरीर पे दोनों बच्चों के कहीं कोई जाहिरा चोट निशान नहीं पाए गए हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है मृत्यु का सही कारण जानने के लिए। उनकी तहरीर के आधार पर अब खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को टक्कर मारी। इस टक्कर से साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। लोगों की सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने फरार ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहपुर में पुलिस ने 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि नाबालिग से दुष्कर्म कर 2015 से फरार चल रहे आरोपी को पकड़ा गया है। गाजीपुर के शाह कब्जे से पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया है और अब अपराधी के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र का एक दुष्कर्म का आरोपी जो वर्ष 2015 के बलात्कार के मामले में मांछी चल रहा था, जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था, गाजीपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। रायबरेली के बछावा थाना क्षेत्र में विषैले जीव के काटने से युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी मिली कि गंभीर हालत में युवक के इलाज के दौरान मौत हुई है। फिलहाल युवक की मौत से इलाके के लोग भी दहशत में हैं और अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। कानपुर देहात के सिकंदा थाना क्षेत्र में एक ट्रक और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर से कार क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के समय एयरबैग खुलने से कार सवारों की जान बच गई। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। कार सवार तीन लोग घायल हो गए हैं और पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचते ही हुए तीन घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। 3 बजे घटना घटी है और ये भोगनीपुर के बताया जा रहा है। काहे काहे घटना हुई? ये ट्रक और इसमें कई लोग सवार थे, कुछ जानकारी? तीन लोग, एक लोग छुटाए हैं, 2 लोग ठीक। आज के यूपी बुलेटिन में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।